दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 बड़ी तगड़ी वाली एप्लीकेशन के बारे में जो कि 1 MB से भी कम है। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि यार ये एप्लीकेशन 1 MB से कम है तो क्या मतलब घंटा एप्लीकेशन होगी, लेकिन इन एप्लीकेशन का काम देखकर मतलब आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, आपका बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बस आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस प्लेनेट पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं आता तो रेड कलर का बटन आ रहा होगा इसको थोड़ा मतलब उंगली मारो और उसके बाद बेल आएगी, उस बेल को लाजमी दबाना क्योंकि बेल के अलावा कुछ भी नहीं होता, बेल बजेगी तो आपको वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा लाइक टारगेट है, मतलब लाइक टारगेट आपके सामने आ रहा है, आप लाइक टारगेट पूरा कर देना यार और लाइक लाजमी करना। लाइक करने के बाद दोस्तों आपका एक और काम होगा, जितनी भी एप्लीकेशन मैं यूज़ करने वाला हूँ इनको डाउनलोड कहाँ से करना है, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जिन लोगों को नहीं पता ये आ रही है इस बटन पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, उधर से आप सारी वीडियोज़ मतलब सॉरी यार वीडियो तो सारी मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोज़ को मतलब आप इन वीडियो सॉरी फिर वीडियो बोल दिया। तो दोस्तों इन एप्लीकेशन को आप मतलब यूज करने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, बहुत अच्छा मजा आया था, ऐसा घूमने में साथ में नींद अच्छी आती है, रात में सपने नहीं आते, अच्छी नींद आती है, खाना भी अच्छा खाते हैं। तो दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ एक दफा दोस्तों ये ट्राई करके देखिए। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम दोस्तों यार शुरू करते हैं वीडियो को। तो लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर की एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नेम है मल्टीपल वीडियोस एट द सेम टाइम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मतलब एक वीडियो नहीं दो वीडियो नहीं मतलब चार वीडियो दोस्तों देखना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन रहेगी बहुत ज़्यादा बेस्ट। तो मतलब इस एप्लीकेशन को आपने जस्ट कर लेना है ओपन, ओपन करने के बाद अगर मतलब आप चार वीडियोस एक ही टाइम में इस टाइप की देखना चाहते हैं तो जस्ट सिंपली इस एप्लीकेशन को यूज़ करना होगा आपको। ओपन करने के बाद थोड़ा आपको वेट करना होगा, वेट करने के बाद ये देखें आपको मतलब चार स्क्रीन्स नजर आ जाएंगी, अभी तो मैंने ऐड की हुई है, ऐड करने के लिए आपको प्लस का आइकन नजर आ रहा है, प्लस के बटन पे आपने क्लिक कर देना है, प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद यहां से आपने कोई भी वीडियो मतलब उठा लेनी है, यहां से जैसे कि मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है फिर उधर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद फिर वही वीडियो ले लेनी है। तो इस तरह आप चार वीडियोस काफ़ी मतलब, और मज़े की बात यह कि चारों वीडियोस की आपको मतलब साउंड भी सुनाई देगा तो आप डिफरेंट किस्म की वीडियोस एक ही टाइम में देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ, इस ऐप का नेम है पेड ऐप फॉर फ्री। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का बेनिफिट क्या है, इस एप्लीकेशन की मदद से आप जो भी प्ले स्टोर पे पेड ऐप्स हैं उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे कैसे दोस्तों, क्योंकि जो प्ले स्टोर पे बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं तो कोई कुछ टाइम के लिए वो एप्लीकेशन फ्री में मतलब अवेलेबल होती है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। तो ऐसे में अब आप किस तरह पता लगा सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन फ्री में अवेलेबल है और कौन सी पेड है, तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप सिंपली पता लगा सकते हैं। सिंपली क्या करना है, अपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ओपन करने के बाद इस पे बटन क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, उसके बाद ये सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए आपको फ्री में मिल सकती हैं। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे सिंपली इस एप्लीकेशन को मैंने कर लिया ओपन, ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं मतलब सेल एंड्स इन 2 डेज, मतलब 2 दिन बाद फिर ये पैसों की मिलेगी, और अगर रुपयों में इनकी बात की जाए तो वो 600 रुपये की आपको मिलेगी, मतलब के लगभग $5 की आपको ये एप्लीकेशन 2 दिन बाद मिलेगी। इस तरह आप काफ़ी गेम्स, काफ़ी एंटीवायर, काफ़ी मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन आप इसी तरह ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों जल्दी जल्दी ट्राई करो इससे पहले कि कोई आपकी पसंदीदा एप्लीकेशन मतलब रह जाए, पैसों की मिलना स्टार्ट हो जाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ, इस ऐप का नेम है एम्प्टी फोल्डर क्लीनर। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी जितनी भी फाइल्स हैं मतलब कुछ ऐसे फोल्डर्स होते हैं हमारे मोबाइल में जो कि बिल्कुल खाली एम्प्टी होते हैं, उनमें कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक होते हैं, लेकिन वो आपकी मतलब मोबाइल की स्पेस को, स्टोरेज को फुल रखते हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन को आपको काम में लाना होगा, इस एप्लीकेशन को करना है जस्ट सिंपली ओपन। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने जितनी भी परमिशन मांगे परमिशन दे देनी है, उसके बाद डिलीट एम्प्टी फोल्डर्स करना है, डिलीट एम्प्टी फोल्डर्स जैसे ही करेंगे तो जितने भी फोल्डर्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे और आपकी स्पेस बिल्कुल मतलब इंक्रीज हो जाएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ, इस ऐप का नेम है इंटरनेट स्पीड मीटर लाइट। दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी इंटरनेट की डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड और काफी कुछ देख सकते हैं कि आपने कितना डाटा यूज कर लिया है, पिछले मंथ कितना डाटा, सॉरी पिछले मंथ नहीं,
मतलब पिछले दिन कल को कितना यूज किया था और पूरे मंथ की आपको रिपोर्ट दे देगा। तो किस तरह दोस्तों करना, जैसे सिंपली आपने करना है इस एप्लीकेशन को ओपन। ओपन करने के बाद आपने जस्ट ये थ्री डॉट्स के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में जाने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ऑप्शन है ये ऑफ होगा, आपने इधर से कर लेना है ऑन। ऑन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इधर से लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि आप एक दिन में कितना डाटा यूज़ करना चाहते हैं। तो इधर से जी मैंने 20 MB किया हुआ है। उसके बाद ठीक है, 20 MB करने के बाद आपने बैक आ जाना है। आप देख सकते हैं आपकी डाउनलोडिंग स्पीड ये बता रहा होगा, ये देख सकते हैं अभी मैंने कुछ भी डाउनलोड नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी चला नहीं रहा, तो जीरो डाउनलोडिंग स्पीड। इस तरह आपको बताएगा ये बाइट्स में कि कितनी डाउनलोडिंग स्पीड है और कितनी अपलोडिंग स्पीड है। और आप सारा डाटा भी चेक कर सकते हैं अपने पूरे मंथ का कि कितना आपने यूज़ किया, कितना कल किया और कितना परसों। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। इस ऐप का नेम है क्लिक टू चैट। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी का भी व्हाट्सएप मतलब नंबर सेव नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका आप नंबर सेव अपने मोबाइल में नहीं रखना चाहते तो, लेकिन उन पर व्हाट्सएप से भी बात करना चाहते हैं। तो क्या करना है, आपने सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जिस कंट्री का भी होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है, वो बंदा जिसको आप मैसेज करना चाहते हैं। उसके बाद आपने इधर लिखना है जस्ट सिंपली नंबर, जैसे कि मैं ये नंबर लिख लेता हूँ एक, तो ये मैंने नंबर लिख लिया। ठीक है दोस्तों, इस ऐप नंबर लिखने के बाद जस्ट ओपन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने व्हाट्सएप में चले जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद ये खुद ही एप्लीकेशन डिटेक्ट कर लेगी कि कौन सा वो नंबर है, और आप इजीली विदाउट सेविंग नंबर आप उससे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। तो काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है, लाजमी ट्राई करिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। इस ऐप का नेम है अनसीन गैलरी। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप मतलब कुछ डिलीटेड पिक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। डिलीटेड पिक्चर के साथ साथ काफ़ी डाटा जो होता है आपके मोबाइल में पड़ा हुआ होता है। आपके मोबाइल में कुछ वीडियोज़, कुछ पिक्चर्स आपके मोबाइल में पड़ी हुई होती हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आती, तो ये एप्लीकेशन दोनों से वर्क करती है। अनसीन गैलरी भी दिखाती है और कुछ डाटा आपका बैकअप भी करती है। तो काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन लगी। जब आप मतलब इस एप्लीकेशन को ट्राई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो वीडियो, वो पिक्चर्स आपको नजर आएंगी जो कब मतलब बहुत पुरानी आपने डिलीट कर चुके थे। दोस्तों जस्ट सिंपली क्या करना है, अपनी इस एप्लीकेशन को रिकवर करने के लिए फोटोज वीडियोस को, तो आपने इस एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। इस एप्लीकेशन को ओपन करके सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कब के डाटा मतलब आप देखना चाहते हैं और रिकवर करना चाहते हैं। इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना है, मैं लिख लेता हूँ पास्ट ईयर का। पास्ट ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपली स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अलाउ के ऑप्शन पे करने के बाद आपको ये स्कैन करेगी एप्लीकेशन, थोड़ा जस्ट आपको वेट करना होगा। मैं थोड़ा वेट करता हूं। तो ये देख सकते हैं इस एप्लीकेशन ने वो पिक्चर्स, वो वीडियोस दोस्तों रिकवर करके मुझे दे दी हैं कि जो पिक्चर मैं बहुत पहले डिलीट कर चुका था, बहुत ज़्यादा पहले डिलीट कर चुका था, क्योंकि ये जो पिक्चर्स मुझे सामने शो हो रही हैं तो ये पिक्चर्स मैंने तकरीबन पिछले साल डिलीट की थी, क्योंकि वो फैब में मेरे एक दोस्त की शादी थी तो वो वाली पिक्चर ये शो हो रही हैं और डिलीट की थी और अब रिकवर हो गया। इसी तरह आप रिकवर और अनसीन गैलरी को देख सकते हैं और काफ़ी मज़ा ले सकते हैं। मतलब आप, ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन मुझे लगी, इसको भी लाजमी ट्राई करिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। इस ऐप का नेम है ड्यूल ब्राउज़र। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप डबल ब्राउजिंग कर सकते हैं। मतलब क्रोम पे तो एक ही ब्राउजिंग कर सकते हैं, लेकिन ड्यूल ब्राउजिंग की मदद से आप, अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब भी देखना चाहते हैं, फेसबुक भी चलाना चाहते हैं, या आप ब्राउजिंग भी करना चाहते हैं, तो जस्ट सिंपली ये ब्राउज़र आपके लिए रहेगा काफ़ी कमाल का। तो इस एप्लीकेशन को भी आप लाजमी ट्राई करिएगा अगर आप डबल काम करना चाहते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। इस ऐप का नेम है इंस्टाग्राम लाइट। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब इंस्टाग्राम लाइट 50 MB या 60 MB का हो जाता है, या इससे भी ज़्यादा जब अपडेट में आता है ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है इंस्टाग्राम लाइट, दोस्तों ये एप्लीकेशन कंप्लीट तौर पे इंस्टाग्राम वाले, ऑफिशियल इंस्टाग्राम वाले फीचर देगी। और दोस्तों ये स्पेसिफिकली जो एप्लीकेशन डेवलप हुई थी ये ब्राज़ील के लिए हुई थी, लेकिन आप इस एप्लीकेशन को लाजमी ट्राई करिएगा। ये 1 MB से भी कम की एप्लीकेशन है और इसमें आप सारे इंस्टाग्राम के फीचर यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। इस ऐप का नेम है अनइंस्टॉलर। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत सी ऐप को एक ही दम डिलीट कर सकते हैं जो कि आपके यूजफुल नहीं है एप्लीकेशन। तो उन एप्लीकेशन को आप डिलीट करना चाहते हैं अपने मोबाइल से और अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो एक ही दम उन सबको नहीं कर सकते। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप एक ही दम सारी एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं। जस्ट सिंपली क्या करना है, इस एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद जिस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल से डिलीट करना चाहते हैं वो यहाँ से करें सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट डिलीट के बटन पे क्लिक कर दे तो वो सारी एप्लीकेशन हो जाएंगी डिलीट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ और फाइनल ऐप की तरफ। इस ऐप का नेम है दोस्तों फेसबुक लाइट। जी हाँ दोस्तों, ये वो वाली लाइट नहीं है जो फेसबुक लाइट जो प्ले स्टोर में है। दोस्तों ये जो फेसबुक लाइट है, इस एप्लीकेशन की मदद से आप ऑफिशियल फेसबुक का मजा ले सकते हैं। मतलब इसमें मैसेंजर भी है और काफ़ी कुछ फीचर ऑफिशियल वेबसाइट वाले आपको मिल जाते हैं जो कि आपको फेसबुक लाइट पर नहीं मिलते। तो इस एप्लीकेशन को भी लाजमी ट्राई करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जब मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, इधर दर्द होते हैं इधर, मैं भी दिल रखता हूँ तेरी तरह। तो दोस्तों सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर देना, बेल के आइकन को लाजमी दबा देना और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कौन सी एप्लीकेशन रही सबसे अच्छी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।